15 साल की टीनेजर उम्र में जब बच्चों को ये नहीं समझ आता कि हम किस कैरियर की ओर जाएं और क्या करें, उस उम्र में 15 साल की निकाशा ने एक प्लेयर बुक लिखी है जिसमें कि उसने 5 अपनी प्लेस लिखे हैं। तो आइए हम निकाशा से पूछते हैं। निकाशा, आपको ये बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब कोरोना टाइम्स में हम सब अपने कमरे में बंद थे एंड हम सब एक ही स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे, फ़ोन, टीवी, मूवीज़, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बोर हो गई थी इससे, मेरे को कुछ नया चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए कुछ बड़ा करूं एंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो यही मेरी प्रेरणा थी। तो ये कहानी लिखते लिखते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा? प्ले लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टेज सेटिंग, लाइट सेटिंग, कॉस्ट्यूम, ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, तो काफ़ी चीज़ें थी लॉजिस्टिकली जो दिमाग में रखनी पड़ी एक कहानी के सिवाय। एंड ये भी विजुअलाइज करना पड़ा था घर बैठ कर कि स्टेज पर ये कैसा लगेगा। नाटक लिखते हुए लिखते किरदारों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी किरदार के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि किसी किरदार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े हैं? एक जो मैंने एक प्ले लिखा तो उसके काफ़ी ज़्यादा ड्राफ्ट्स बने, करेक्शंस हुई, उसके बाद एक फाइनल प्ले निकला। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं सारे कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को एंड स्टोरीज को जस्टिस दे पाऊँ। एंड नाइंसाफ़ी का तो पता नहीं, आप बताइएगा मेरे को रीड करके। तो ये जो कंटेंट है ये कहाँ से आपने लिए, ये जो प्ले हैं ये आपने रीराइट किए हैं, ये आपकी अपनी सोच से प्ले लिखे हैं? ये मैंने अपनी सोच से प्ले लिखे हैं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो मैं अपने आप को एक चैलेंज देना चाहती थी क्योंकि ये मैंने कभी देखा नहीं ज़िंदगी में, ना कुछ हुआ मेरे को, ये सब कुछ अपनी इमेजिनेशन से निकालना पड़ा। एंड अपने आप को मैं एक न्यू सा एक डिफ़िकल्ट टास्क देना चाहती थी, जैसे एक एग्ज़ाम होता है वैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहती थी। जब कोई लेखक कोई भी नाटक या कहानी लिखता है तो अपने किरदारों से बातें करता है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या ये किरदार मुझे ये बोल रहा है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? हम सब कोशिश एक राइटर की यही होती है कि वो अपने किरदार के साथ वार्तालाप कर पाए, उसको भी बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। तो कभी कभार मेरे सपनों में ये स्टोरीज़ आई हैं एंड फिर मैंने सुबह उठ के वो चेंजेस करे हैं जो मेरे को लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा इस कैरेक्टर के साथ। जैसे कि आपकी मम्मी भी थिएटर से जुड़े हैं, पापा आपके एजुकेशनिस्ट हैं, तो कैरियर चूज़ करने में आपको ये चूज़ करने में कहीं कोई दिक्कत आई, बुक लिखने में कोई दिक्कत आई? जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे को ये बुक लिखनी है, इनकी उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी एंड उस स्माइल की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है नई कहानियाँ लिखने के लिए। जहाँ तक करियर की बात है, अभी तो काफ़ी अनक्लियर है सब, बिज़नेस करना है या फिर राइटिंग करनी है या डायरेक्शन करनी है, वो वक्त के साथ पता चलेगा। तो ये थी नताशा लुथरा, जिन्होंने कुछ बहुत ही छोटी उम्र में अपनी प्रतिभा से एक बुक लिखी है। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश, लाइव चंडीगढ़ से। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।